हे माय यूट्यूब फैमिली, सभी को मेरा नमस्कार। तो मैं एक नए टॉपिक के साथ फिर से आ चुकी हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कवितावली, जो कि तुलसीदास द्वारा रचित है। कवितावली में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए, ज़्यादा बकबक ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा स्क्रीन पर देखा जा रहा है, पहला क्वेश्चन है कवितावली किसकी रचना थी। मीन कवितावली जो है वो किसकी रचना है, किनके द्वारा रचित है, इसको किसने लिखा है। तो इनका जो रचना किए हैं वो है तुलसीदास। तो इसका आंसर होगा तुलसीदास। दूसरा है, संसार के सभी लोग काम क्यों करते थे। मीन कवितावली में जो कविता लिखी गई है उसमें संसार के सभी लोग काम क्यों करते थे। तो इसमें ऑप्शन, चार ऑप्शन है। तो इसका आंसर होगा पेट भरने के लिए। सभी लोग काम क्यों करते थे, तो पेट भरने के लिए। फिर देखते हैं आगे। फिर है, किस बला के लिए लोग दर दर ठोकर खाते फिरते हैं। तो इसका आंसर है पेट की, मतलब कि किसके बला के लिए लोग जो है वो दर दर ठोकर खाते फिरते हैं, तो वो पेट के लिए। फिर है, किसकी कृपा से भूख के लिए भटकते लोगों को शांति मिल सकती है। मतलब किसकी कृपा से, कौन कृपा करेगा जिससे भूख के लिए जो भटक रहे लोग हैं उसको शांति मिल सकता है, शांति मिलेगी। तो वो है राम की कृपा से। इसके बाद है, समाज में चारों ओर किसका बोलबाला है। मैं जो कवितावली है उसमें जो समाज है उसके चारों ओर किसका बोलबाला था, तो वो आंसर है गरीबी और बेकारी की। मतलब कि बोलबाला कहाँ किसकी थी, गरीबी, जो लोग गरीबी से दिनता काट रहे थे वो बेकारी की थी। फिर है, संपूर्ण समाज को गरीबी ने किस रूप में घेर रखा है। मतलब जो पूरा समाज है उसको गरीबी ने किस रूप में घेर रखा है, तो रावण के रूप में। गरीबी जो है वो रावण की तरह सारे समाज को, पूरा संपूर्ण समाज को घेर के रखा है। फिर है, वेदों और पुराणों के अनुसार संकट के समय कौन सहायता करता है। जो वेद है, पुराण है, उनके अनुसार जो है वो संकट का समय कौन सहायता करता है। जब संकट आता है, कोई दुविधा आता है, तो कौन सहायता करता है, तो प्रभु राम जी करते हैं। फिर है, किसबी से अभिप्राय है, मतलब किसबी से क्या अभिप्राय है, तो मजदूर। फिर है, कवि के अनुसार वह अपना पेट किस प्रकार भरते हैं। कवि के अनुसार जो है वह अपना पेट किस तरह से भरते हैं, तो भीख मांगकर। वो कवि कैसे अपना पेट भर रहे हैं, भीख मांगकर। इसके बाद है, कवितावली उत्तराखंड में कौन सा छंद है। तो कवितावली में क्या बोला जा रहा है कि उत्तराखंड से में कौन सा छंद है, जिसका छंद जो है वो है कवित। फिर है, हनुमान राम जी से क्या लाने की आज्ञा मांगते हैं, तो संजीवनी बूटी। उसके बाद है, राम जी के एक निष्ठ भक्त कौन थे, तो हनुमान। मतलब राम जी के जो है वो एक निष्ठ भक्त कौन थे, जैसे कि राम जी के जी को कौन सबसे ज़्यादा मानते थे, उनके भक्ति याचना कौन करते थे, तो हनुमान जी। इसके बाद है, लक्ष्मण मुच्छा और राम का विलाप में किस भाषा का प्रयोग हुआ है, तो अवधी भाषा का। फिर है, नारी हानि विशेष क्षति नाही, यहाँ क्षति का अर्थ है हानि। इसके बाद है, जगदम्बा हरि आनी सब सट चाहत कल्याण, यह पंक्ति किसने कही है, तो कुंभकर्ण ने। लक्ष्मण कहाँ मूर्छित हुए थे, तो युद्ध में। तो ये टॉपिक, ये पॉइंट यहीं पे ख़त्म होता है। ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो बहुत सारा निकाला जा सकता है, पर इंपॉर्टेंट जो है मैं वो बता रही हूँ। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट, शेयर, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो तुलसीदास के टॉपिक पे आने वाला है। तुलसीदास का अपना पर्सनल लेके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और तुलसीदास का जीवन दर्शन अपलोडेड है। जो लोग नहीं देखे वो लोग जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक सभी को एग्जाम के लिए।